है तो मतलब जिस पॉइंट से ये बात शुरू हुई थी वो बात घूम फिर कर इसी पॉइंट पर आ गई अल्टीमेटली, तो हाँ इसीलिए मुझे लगा ये सर्किल कंप्लीट हुआ है तो इस पर कुछ बात कर देनी चाहिए मुझे। ठीक अच्छा है तो लेकिन इस पूरे लूप में एक बहुत सारी नई नई बातें मुझे समझ में आई हैं, तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन मुझे वो जब समझ में आई तो मुझे पता चला ये तो कितनी बड़ी बात है यार। इसके लिए तो वापस मतलब LKG में जाना पड़ेगा ताकि जो भी बातें बताएगी LKG से मेरे को वो मैं समझ सकूं, और जिनको मैंने ऐसे ही धारण कर लिया था है ना। तो वैसे बहुत ऐसी बातें सामने आ रही, तो मेरी जो समस्या थी ना वो समस्या ये थी कि मैं स्ट्रेसफुल विचारों के जंजाल में फंस गया था, अच्छा और स्ट्रेसफुल विचारों के जंजाल में फंस जाने की वजह से मैं पूरा स्ट्रेस में आ गया था। तो उसकी वजह से जो आकर्षण के सिद्धांत के अनुसार वैसी घटनाएं मेरे साथ हो रही थी ना, मतलब मेरे रास्ते खुल रहे थे हाँ और मैं स्ट्रेस स्ट्रेस में जाया जा रहा था। और ऐसा नहीं है कि मेरे को पता नहीं था, हाँ मेरे को पता था कि स्ट्रेस हो रही है और इसकी वजह से ही इसका अट्रैक्शन मुझे हो रहा है भाई ऐसे लोगों का, घटनाओं का, और मेरे रास्ते ब्लॉक भी हो रहे हैं, साफ पता चल रहा अच्छा है लेकिन मैं कुछ उखाड़ नहीं पा रहा स्ट्रेस उसका। की वजह से, स्ट्रेस की वजह से नेगेटिव आदमी अट्रैक्ट हो रहा है, नेगेटिव वो सरकमस्टेंसेस। हाँ अच्छा नेगेटिव हो अच्छा रहे हैं और जैसे मैं चाह रहा हूँ वैसे नहीं हो रहे, हाँ ठीक है। और नेगेटिव वो कहाँ है, वो तो मेरे घर से लेकर भाई दुकान चले जाओ कि भाई सड़क पे चले जाओ कि फेसबुक खोल लो, हर जगह मेरे को तो मतलब इश्यूज इश्यूज नजर आ जाते थे और उन हाँ सबका मैं हाँ बोलता रहता था ये इन सबका सॉल्यूशन है। अब मेरे को स्ट्रेस होती थी साला ये लोग इसको सॉल्व क्यों नहीं कर रहे, मतलब जैसे कि लोग अपना फर्ज नहीं निभा रहे वगैरह जो भी है। तो इस बात की मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रही थी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले ली थी, मतलब मेरे को तो बहुत छोटी छोटी चीजों की स्ट्रेस है घर के अंदर भी मेरे को, तो कि तूने देखा मेरा घर कितना बड़ा है और मेंबर्स दो ही हैं तो भी मेरे को पारिवारिक क्लेश है मेरे को तो इस बात का भी क्लेश है कि ये जो दो मेंबर का घर है इसमें मतलब मेरे को राजा की तरह क्यों नहीं रखा जाता राजा की तरफ रखने का मतलब ये कि सबसे पहला जो आपका फर्ज बनता है राजा की तरफ वो ये कि उसको छेड़ोगे नहीं आप, है ना। तो उसमें भी क्या है कि मैंने ना अपनी परिभाषा बना रखी थी, जैसे कि अब यही परिभाषा को ले ले कि जब मैं अपने आप को राजा की तरह ट्रीट करवाना चाहता हूँ ना तो उसका मतलब ये कि कोई मेरे को छेड़े नहीं। अब इसके पीछे मैंने अपनी थ्योरी क्या बना रखी है कि ये भाई ये हितेश शाक्य की डिमांड नहीं है, ये तो भाई मानवीय चीज है, ये तो भाई जैसे सही मैं ही चाह रहा हूँ कि कोई मेरे को छेड़े नहीं तो वैसे तुम भी चाहो ना, ये हर आदमी चाहे कोई किसी को छेड़े नहीं, सब लोग अपने अपने बात में मस्त मस्त रहो, लेकिन जब मीटिंग का टाइम हो वो हफ्ते में आप एक बार रख लो दो बार रख लो 2 घंटे के लिए 20 घंटे के लिए जब रखना है रख लो, ठीक है फ्री मीटिंग रख लो विषय वाइज मीटिंग रख लो, मतलब गेट टुगेदर रख लो भले ही वो पापा मम्मी का ही क्यों ना हो। मतलब आपको समझ में आ रही ना, मतलब फैमिली की ऐसी डेफिनेशन मैंने बना रखी थी, ऐसे हर चीज की डेफिनेशन बना रखी मैंने, फैमिली की डेफिनेशन ऐसे ऐसी, एजुकेशन की ऐसी और फिर पॉलिटिक्स की ऐसी और फिर रिलेशनशिप्स की ऐसी और इसकी ऐसी और उसकी ऐसी और उसकी ऐसी उसकी ऐसी, है ना। अच्छा, ये हाँ तो सही आपको बात पता है, ही है ना, ये सारी थ्योरी सही। मैंने बना हाँ रखी हाँ है हर चीज की, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। सबको फर्ज बता रखी उसका फर्ज ये उसका फर्ज ये और जो फर्ज सही निभाता बात। नहीं उसका मैं बम्बू भी करता हूँ दलील भी करता हूँ, ठीक हाँ है। लेकिन जाहिर सी हाँ बात है कि जैसे मैं चाहता हूँ दुनिया वैसे तो चल नहीं रही, और ये ऐसा कभी होता भी नहीं है कि जैसा आदमी चाहे उसे दुनिया चले, ठीक हाँ है। तो बिल्कुल। कोई ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन इसका मैंने स्ट्रेस बहुत ले लिया था हाँ और पूरा दिन स्ट्रेस में रहता था, अच्छा है ना। और जैसे कि अब लेकिन जैसे कि मैं वो गाने वगैरह गाता हूँ ना तो वो देखकर लोगों को लगता है कि ये तो बड़ा स्ट्रेस फ्री आदमी है, लिबरेटेड आदमी है, सही ठीक है। बात है। लेकिन आपको आप ये मत सोचो कि मतलब वो फेक नहीं है, हाँ समझ रहा हूँ। वो भी रियल है, लेकिन उतना हाँ लिबरेटेड तो मैं हूं जितना नजर आ रहा हूँ, लेकिन उस लेवल पर मैं हाँ उतना स्ट्रेसफुल भी हूँ, है ना। राइट राइट तो ये है, तो मेरे को इसका समाधान तो पता ही था क्या समाधान है, अच्छा
ठीक है, इसका समाधान ये है हाँ हाँ कि जो सामाजिक समस्या मुझे नजर आ रही है, ठीक हाँ है, वो तो आ ही रही है, तो वो तो सत्य है, उसमें कुछ फेक नहीं है, हाँ गड़बड़ नहीं है। अब वो समस्या है तो है, उसका कोई सॉल्यूशन है? हाँ भाई, मेरे पास सबके सॉल्यूशन है, ठीक है, तो सॉल्यूशन दे दिया मैंने। अब क्या उस पर मैं सॉल्यूशन का या तो प्रचार भी कर सकता हूँ, ठीक है, और उस सॉल्यूशन को सॉल्व मतलब इम्प्लीमेंट करने में अपना योगदान भी दे सकता हूँ, यहाँ तक भी ठीक है। ठीक है, कोई नहीं कर रहा है तो उसको जलील भी कर सकता हूँ, बम्बू भी कर सकता हूँ, यहाँ तक भी ठीक है। ठीक है, लेकिन जब ये काम मुकम्मल नहीं हो रहा तो वहां से जो स्ट्रेस उत्पन्न हो रही है, उससे अपने बॉडी और माइंड में जो प्रतिक्रिया जनरेट हो रही है, और जो नकारात्मक कर्म जनरेट हो रहा है, नकारात्मक संस्कार जनरेट हो रहे हैं, जो नकारात्मक वाइब्रेशंस के रूप में यूनिवर्स में जा रहे हैं, वो गड़बड़े, और उससे बचना है अपने। ये बात मेरे को बहुत साल पहले समझ में आ गई थी, मतलब ये बात 2 साल पहले समझ में आ गई थी कि मैं ऐसे विचारों में फंसा हुआ हूँ, 2 क्या 2.5 3 साल पहले समझ में आ गई थी, लेकिन तब से ही मतलब मैं इसको ऑब्जर्व कर करके इसको खत्म करने की कोशिश कर रहा था। मतलब अच्छा 5 साल पहले तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, 5 साल पहले तो मेरी ऊर्जा बहुत चढ़ गई थी, ठीक है, लेकिन 3 साल पहले मुझे रियलाइज हुआ कि मैं नकारात्मक विचारों के अंदर इतना घिर चुका हूँ, समस्याओं को सॉल्व करने की दिशा में आगे बढ़ा तो समस्याओं से उत्पन्न होने वाले जो स्ट्रेस है और उसके सॉल्यूशन को प्रोवाइड करने के बाद उनके सॉल्व समस्याओं के सॉल्व नहीं होने पर जो स्ट्रेस उत्पन्न होती है, उस स्ट्रेस के अंदर मैं बहुत दब गया हूँ। ये बात मेरे को पिछले 3 साल पहले पता चली और तब से मैं नियमित रूप से इस पर काम कर रहा हूँ, लेकिन दूसरा जो पलड़ा है ना, वो इतना तेज और भारी है कि मतलब मैंने बैलेंस रख पाया हूँ इतना अभी तक, काम भी कर रहा हूँ और बैलेंस भी रख पाया हूँ, लेकिन क्या है कि मेरे को नहीं पता था मतलब इस मार्ग पर, बैलेंस करने के मार्ग पे, मतलब वास्तव में इस प्रकार से ये विचारों का जो माया जाले छट जाएगा और एक शांति का अनुभव मुझे होगा, ठीक है, तो उसको ठीक है, मतलब मैं भ्रम के कारण मैं उसको एनलाइटनमेंट भी कह सकता हूँ, ठीक है, बट मैं ऐसा कहूंगा नहीं ना उसको लोगों को बोलूंगा। हाँ, उसको प्रचार करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए उसको हम डाल भी सकते हैं थंबनेल पर, सही सही बात बट मैं उसको उसमें इतनी गंभीरता दिखाई नहीं रहा, पहली बात तो उस शब्द में। हाँ, है। अच्छा लेकिन ये मैं ईमानदारी दिखा रहा हूं कि मेरे को ऐसा भ्रम जरूर हुआ, ठीक है। अच्छा, मैं इसमें एक महत्वपूर्ण बात बताना भूल गया कि वो जो स्ट्रेस उत्पन्न होती है ना, मेरे को हमेशा उसका और पता रहता है कि ये स्ट्रेस उत्पन्न हो रही है, हो रही है, हो रही है, और अब मेरे को ले जाएगी। मैं कई बार किया, ठीक है, तो मैंने क्या आनापान पर अपना सहारा बनाया। आनापान जानते हो तुम? नहीं, तो हाँ क्यों बोल रहा है, जब नहीं जानता तो मैं बोल मैंने रहा तो हूँ सुना आनापान, था, तू बोल रहा है आना आनापान सुना था, लेकिन तो पता नहीं होता है एक्जेक्टली। आनापान मतलब कि आती जाती सांस को देखना, अच्छे से हाँ समझ गया। है ना, समझ गया। मतलब आपको मैं एकदम फ्रेश एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर कोई वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, शाम के 5:30 बज रहे हैं, ठीक है, कुछ भी कर रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, यार मैं कर रहा हूँ कुछ भी, तो उस समय दूध वाला आ गया, दूध वाला लगा दिया यहाँ पर, दूध वाला आ जाता है, दूध लेने के लिए यार वो पीछे वालों के कमरे में से कौन जाए, और मम्मी क्या जाए यार, तो वो दूध के बगल में मैं ही तो बैठा रहता हूँ, तो मुझे लेना पड़ता है, ठीक है, तो ये चीज मेरे दिमाग मेरे अंदर मेरे पूरे अस्तित्व में बहुत इरिटेशन उत्पन्न करती थी, ठीक है, और जहां पर मेरा जो कमरा है ना, उस कमरे के अंदर जो भी गाड़ी गुजरती है, वो लगभग उसकी जो आवाज है और हॉकिंग की आवाज है, वो तो मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा है, ऐसा लगता है कि वो क्या बोलते अम्ल होता है ना, एसिड, तेजाब पैदा कर देती है ना। तो ऐसी एक घटना बता रहा हूँ, ऐसी कम से कम 25-30 घटनाएं रोज सुबह पूरे दिन होती हैं, ठीक है, जिससे मेरे अंदर ऐसा तेजाब बिल्ड होता है, हाँ समझ गया। ठीक है, और ये तो आसपास की है, फिर ऑनलाइन दुनिया में चले जाओ तो अलग ही है। तो मैंने आनापान करना शुरू किया, तो ये भी जय कृष्ण मूर्ति का ये फार्मूला था कि यदि कोई ऐसी घटना आपके पास हो रही हो, आपके आसपास हो रही हो, जो आपको इरिटेट कर रही हो, तो उससे जो रिएक्शन आपके अंदर उत्पन्न होगा, उस रिएक्शन को देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो, और वो रिएक्शन चला जाएगा, तो फिर तुम कुछ नहीं, फिर अपने काम पे रहते। तो वही काम मैं करता था, आनापान करता रहता था, आनापान मैं बहुत ज्यादा करता था, बहुत ज्यादा मतलब एक्सेसिवली करता था, मेरा बहुत नशा बन गया था मतलब आनापान का, हर टाइम करते थे या तो फिर जब एसिड डेवलप होता था उस टाइम? वो तो मैं करता ही करता था,
उतना ही करता वो टाइम। हाँ ये अच्छा सवाल है, मतलब जब प्रतिक्रिया आ रही है तो उस टाइम पे तो मैंने करना ही करना है, लेकिन उसके बाद वहां से उसकी जो स्पीड है और जो उसकी वो है ना फ्रीक्वेंसी, वो बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। ठीक है, तो बढ़ती चले जाने पर मतलब विचारों से उत्पन्न होने वाली वो जो स्ट्रेस है वो भी चली गई, मतलब ऐसे नहीं 100% चली गई, बट काफी हद तक चली गई, मतलब मैं कहूंगा कि कुछ 70-80% तक चले गई, और उससे ऊपर होने वाले विचार भी चले गए। तो काफी लंबे लंबे मतलब मुझे 10-10, 15-15, 20-20 सेकंड के ऐसे विंडो आ जाते हैं जिसके अंदर मेरा माइंड एकदम शून्य में चला जाता है। ठीक है, अब ये हो सकता है किसी के लिए सामान्य बात हो, लेकिन जहां से मैं आया हूँ ना, जिन क्रांतिकारी विचारों के मायाजाल, उसके संबंध में ये चीज मतलब बहुत ज्यादा शांति देने वाली अच्छा सही बात है, बिल्कुल है ना। सही बात है। अच्छा, तो अब जब ये मेरे को ऐसा हुआ ना, तो मेरा ध्यान खींचा स्पिरिचुअल ज्ञान की तरफ कि यार ये जो मेरे को हो रहा है इसके बारे में देखो उन लोगों ने क्या क्या कहा है। तो मैं रमन को सुनने लगा, और फिर मैं जय कृष्ण मूर्ति को दोबारा सुनने लगा, और फिर मैं यूजी कृष्ण मूर्ति को भी सुनने लगा, और अब तो मैंने थोड़ा कृष्ण को भी सुनने लगा। कृष्ण को क्यों सुन, अबे मैं संदीप माहेश्वरी को सुनने लगा, मैं डीप स्टोरी को सुनने लगा। संदीप माहेश्वरी का वो आया है ना जिसके अंदर एक लौंडा सामने बैठा होता है, और रिसेंट आया ना पिछले महीने मेरे ख्याल से। ठीक है, और डीप नॉलेज को सुनने लगा, तो मेरे को डीप नॉलेज को भी हाँ डीप नॉलेज को भी मैं सुनने लगा है ना। तो मेरे को बहुत छोटा बनता ये सारी बातें अब समझ में आने लगी कि क्या कहना चाह रहे थे ये लोग। तो सबसे बड़ी बात जो मेरे को रियलाइज हुई वो तो ये कि मैं तो हमेशा से ईगो में ही जी रहा था। ठीक है, और ईगो को अच्छी चीज मानता था। ठीक है, और ईगो के पार जाने के लिए तैयार नहीं था, और मतलब मेरे को ये भी नहीं समझ में आया था एक्चुअली ईमानदारी से, हालांकि जो बातें मुझे समझ में नहीं आई उस पर मैंने कभी कोई क्लेम भी नहीं किया, ना कोई ज्यादा ज्ञान दिया। मतलब ये तो डिटैचमेंट क्या होता है, और ये कर्ता का भाव छूटता तब कैसा होता है, और ये एनलाइटनमेंट क्या होता है, और मैं कौन हूँ वास्तव में, वो क्या है, मतलब आत्म साक्षात्कार क्या है, इन सब पर तो मैंने कभी कोई बोला नहीं ना, हार्डली एक आध वीडियो होगा या फिर कोई एक आध कहीं लिख दिया होगा ऐसे ही चालू में, लेकिन मेरे को इसका कोई ज्यादा अनुभव नहीं था। ठीक है, और इस बात को तो मैं मानता ही नहीं था कि मतलब कोई ईगो होना कोई बुरी चीज है। तो ये बात मेरे को अब समझ में आने लगी कि मैं कितने बड़े ईगो में था, और ईगो को फुल करते फिल करना कभी भी भरना ये संभव नहीं है, और ईगो एक बहुत ही फॉल्स सेल्फ है, और आप वास्तव में बहुत विराट हो इससे। ठीक सही है, बात है। तो इस पर मुझे क्या है, पुरानी पुरानी बातें को समझ में आती हैं तो उसको मैं ना लिखते रहता हूँ। ठीक है, तो मैंने लिखा है एक तो ये लिखा है कि बॉडी इज ईगो। इस पर मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करनी चाहूंगा अभी। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि ऑल इश्यूज आर स्टिल इश्यूज बट इमोशनल रिस्पॉन्स इज गॉन, इरिटेशन इज गॉन। ये बात मेरे को रियलाइज हुई बहुत तगड़ी वाली, और ये बहुत शांति देने वाली है। मतलब पूरी कहानी यहीं से तो शुरू हुई थी, सही बात है। और आज अंत में मैं इसी से संबंधित एक बहुत बड़े कंक्लूजन पर पहुंचा हूँ, वो मैं बताऊंगा पढ़ने के बाद एक एक करके। तो मतलब ऑल इश्यूज आर स्टिल इश्यूज, मतलब जो समस्या है ना वो तो है ही, मतलब जैसे कि जब शाम को दूध वाला आ जाता है तो मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका और कोई उपाय है नहीं, मतलब मैं नहीं चाहूंगा कि ना मम्मी उठ के जाए और दूध लेकर आए। ठीक है, तो उसका कोई और सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, अगर सॉल्यूशन है तो उसको सॉल्व करो, और नहीं है तो उससे जो इमोशनल रिस्पॉन्स उत्पन्न होता है जो तुम्हारे अंदर तेजाब पैदा करता है वो नहीं होना चाहिए, और वो मेरे अंदर से चला गया, मैं ये बता रहा अच्छा अभी हूँ। हाँ रिसेंटली। हाँ ठीक है, अच्छा हाँ, और उसके नीचे मैंने लिखा है कि बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम विजिलेंस ऑफ वॉचर, मतलब मैंने क्या है कि जो वॉचर था ना उसको मतलब एक बहुत बड़े दादागिरी की तरह खड़ा कर दिया था हर प्रतिक्रिया के सामने, क्योंकि मेरे को पता था कि यार यहीं पर ही मैं फंस रहा हूं और यही मार्ग है आगे निकलने का।
मतलब दुनिया को बदलना तो बहुत मुश्किल होगा यार, इससे बढ़िया है कि ये स्ट्रेस रेस्पॉन्स में हटाऊ मैं, और स्ट्रेस रेस्पॉन्स जब तक मैं नहीं हटाऊंगा तब तक मैं दुनिया को बदल भी नहीं पाऊंगा। दुनिया को तो नहीं बदलना होता, बेसिकली जो दुनिया को आप एक्सपीरियंस करना चाह रहे हो दुनिया का वो एक्सपीरियंस आपको बदलना होता है। तो वो तो मेरे को तभी मिलेगा यार जब मेरे को मेरी पावर वापस मिलेगी, और वो स्ट्रेस ने सारी पावर ले रखी है, है ना। तो उसके नीचे लिखा हुआ है मैंने कि बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम विजिलेंस ऑफ वॉचर, मैंने हर जगह जाकर के वॉचर खड़ा कर दिया था कि उस प्रतिक्रिया को भी देखो, प्रतिक्रिया को भी देखो, उसका भी साक्षी बनो, उसका भी साक्षी बनो, इन सबका साक्षी बना रहे। अच्छा, है ना, ठीक है। तो और उसके लिए और भी फाइट मारी थी मैंने, जैसे पुष्कर जाकर मैं वो जल नीति का वो भी लेकर आया पॉट, जल नीति का पॉट, जल नीति करने से क्या वो जो नॉस्ट्रिल्स है वो बहुत फ्रेश फ्रेश फील होते हैं, तो बार बार उधर ध्यान जाता है। अच्छा अच्छा, समझ, है ना, ठीक है। और विचार शून्यता का तो बहुत समय से प्रयोग कर रहा था मैं, जैसे कि 2019 में भी ये प्रयोग कर रहा था मैं, जैसे कि छत पर, है ना, छत पर जहाँ पर जहाँ से हमारा जहाँ से ऊपर वाला दरवाजा खुलता है जैसे, वहां से लेकर हम सीधे छत पर बाहर की तरफ जाएंगे, और जो लड़कियों वाला घर उधर राइट मारेंगे ना तो पतली सी लेन आती है ना, तो यहाँ इस कोने से उस कोने तक चलते हुए और उस कोने से इस कोने तक चलकर आते हुए, मतलब मैं ऐसे बहुत ही एक्सट्रीमली कॉन्शियस होकर अपने दिमाग को देखता रहता था कि वहां से जो लौट कर वापिस आने में कोई विचार लगता है क्या, या विचार में फंसता हूँ क्या मैं। विचार आना तो समस्या मेरी कोई थी नहीं, विचार में फंसे रहना बहुत समस्या थी, और उस विचार से फंस कर जो अंदर अंदर इरिटेशन मुझे होता था कि साला मैं तो अपना फर्ज निभाया, दुनिया अपना फर्ज नहीं निभा रही हो वाला तो वो मुझे अंदर अंदर बहुत तेजाब बनाता रहता था, मेरे अंदर जहर बनाता रहता था मेरे अंदर, ठीक है। और मेरे अंदर से तर्कों की बारिश होती रहती थी, मतलब ऐसा है कि मशीन गन की तरह गोद्दू में एक पकड़ पकड़ के तर्कों से, मतलब आ जाओ अपने सामने तर्क से तेरे को ऐसा भेदूंगा ना, ऐसे छेदूंगा ना, तू खत्म हो जाएगा यहाँ से, मतलब इतना मेरे अंदर इतना अग्रेशन था। अच्छा। और इतने मतलब विचार ठक 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 आते रहते थे कि मतलब अभी पब्लिक मिल जाए तो एक को पकड़ पकड़ के मतलब गोद्दू में ऐसा, तो तब जाकर मतलब मैं इस बात का अभ्यास करता था कि इस कोने से जाकर वहां तक घूम कर आऊंगा, देखूंगा कोई विचार तो नहीं है, तो सोच रहा कितना बड़ा मतलब एफर्ट है। तो है ना, तो वैसा है। अच्छा अच्छा, उसके आगे लिखा है कि इन्वॉल्व इनटू सॉल्विंग सोशल इश्यूज विद अ डिटैचमेंट, मतलब जो आदमी अगर डिटैचमेंट का मतलब ही मुझे कभी समझ में आया नहीं था, इसलिए मैंने ज्यादा बात भी नहीं करी, वो मुझे अब समझ में आया, ठीक है। तो अब मैं फाइनल पॉइंट के ऊपर आ जाता हूँ, फिर बाकी के पॉइंट ऐसे पढ़ दूंगा मैं, क्योंकि वो फाइनल पॉइंट का समझना बहुत जरूरी है। फाइनल पॉइंट ये मेरे को समझ में आया है कि कष्ट कब से उत्पन्न होने लगते हैं, मतलब कष्ट उत्पन्न होने का जो मुख्य कारण मुझे लगता है वो ये है, दुख का मुख्य कारण ये होता है कि हम कुछ पाना चाहते हैं, ठीक है, तो जो जो हम पाना चाहते हैं उतना हमें मिलता नहीं है, मतलब तो वहां से कष्ट की वो होती है, शुरुआत होती है। इसके अलावा कोई और तरीका हो तो मुझे बता, कोई दुख की उत्पन्न होने, मुझे ये समझ में आया दुख की उत्पत्ति यहाँ से हो रही है। हाँ, मतलब पहली चीज से हमने किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर लिया तो मतलब वो पूरा होगा नहीं, अगर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो दुख उत्पन्न हो जाएगा। हाँ, तो एक्सपेक्ट किसी और से कर लो चाहे खुद से कर लो, चाहे वो पूरी नहीं हो रही है। हाँ, तो इसमें बेसिकली ये वाली बात समझ में मेरे को कभी आती नहीं थी, कोई मुझसे पूछ लेता यदि, वैसे लोगों ने किसी ने मुझसे पूछी नहीं है बात, लेकिन मेरे को पता था कि कौन कौन से क्वेश्चन का उत्तर मेरे पास नहीं है। तो मेरे पास इस क्वेश्चन का उत्तर नहीं था, दुख क्या मुझे मिल गया कि जैसे कि जो आरटीआर एक्टिव फाइट मारते रहते हैं तो फाइट मारनी कि नहीं मारनी, बेसिकली प्रश्न ये है। सही बात है, तो फाइट मारनी कि नहीं मारनी, और मारनी है तो कितनी मारनी, और कितनी मारनी पर पता चलेगा कि मतलब मैं कर्ता भाव से कर रहा हूँ, और कब पता चलेगा कि मैं डिटैचमेंट भाव से कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसका उत्तर मुझे उत्तर अभी अभी समझ में आया कि उसके लिए जो हो सके तुम्हें करना है, जो भी तुम पाना चाहते हो उसके लिए जो हो सके तुम्हें करना है, लेकिन कितना करना है ये तुम्हें ऐसे पता चलेगा कि जहां से स्ट्रेस की शुरुआत होती है बस वहीं पर ही उसको उसके आगे नहीं करना है।
मतलब उसकी वहीं पर उसको छोड़ देना है। समझ गए। तो ये बात शुरू हुई थी स्ट्रेस छोड़ने से, और अंत में जो निष्कर्ष निकला वो भी यही निकला। और ये जो ऐसे लोग है ना, ये इन सबको सुनते हुए, आशीष शुक्ला को सुनते हुए, रमान को सुनते हुए, पिछले मैंने 2-3-4 दिन में सबको चाट डाला खटाखट है ना, क्योंकि फ्रेंकली स्पीकिंग जय कृष्ण मूर्ति की बात करें मुझे कभी समझ में आई नहीं थी, 30-40% समझ में आई थी, और बाकी की मतलब मैंने अपने ईगो के कारण नकार दी थी कि है ही तो चूतिया है। ठीक है, तो जब मैं सुनने लगा ना, तो इसमें दो लोग ऐसे सामने आए जो जो ऐसे बोल रहे हैं कि ये जो रियलाइजेशन है ना, ये सामने पड़ी वाली चीज है बेसिकली। उसमें एक तो संदीप माहेश्वरी है और एक उसमें ये है यूजी कृष्णमूर्ति। ठीक है, कि मतलब उसको आप उस पर बात तो करो ही मत, बात करते ही मतलब वो चीज क्या है कि उसकी जो सरलता है वो चली जाएगी। समझ रहे हो? तो मैंने क्या बात कही, मैं इस रिलेशन पर पहुंचा कि स्ट्रेस नहीं लेना है। तो यही बात बेसिकली वो कह रहा है यूजी कृष्णमूर्ति कि आप इस बारे में बात ही मत करो, क्योंकि जैसे ही आपने बात करी आपने स्ट्रेस ली कि मुझे पाना है, इसको पाने की स्ट्रेस आपके अंदर उत्पन्न हुई। सही बात। और दूसरी तरीके से अगर मैं कहूं तो इसको यूजी कृष्णमूर्ति ने कहा था या किसी और ने भी कहा था कि मतलब ये आप, हाँ सॉरी, यूजी कृष्णमूर्ति ने कहा था कि नेचुरल स्टेट है। हाँ, मतलब वो ऐसा बोल रहा है कि एनलाइटनमेंट फ्रीडम ये सब फालतू बातें मत करो। यूजी कृष्णमूर्ति तो कह रहा है कि ये सब एनलाइटनमेंट और ये सब माइंड है और ये वॉच कर रहा है और ये थॉट है, ये सब ये भी बोल रहा है कि फालतू बातें करो ही मत इतनी, तो तुम मतलब माइंड शब्द तक की बात मत करो, आप माइंड शब्द ही मत लाओ। वो तो उस लेवल पर निकल गया। मतलब संदीप माहेश्वरी, एक वीडियो कहीं आया था किसी ने डाला था, संदीप माहेश्वरी एक्सपोज सदगुरु, तो उसमें सदगुरु की बात थी, उसको संदीप माहेश्वरी बता रहा इसी वीडियो से। मतलब संदीप माहेश्वरी तो सदगुरु की बात को काट रहा है, लेकिन ये जो है ये तो माइंड शब्द को काट रहा है। माइंड सबको काट रहा है, बोले कि माइंड के बारे में बात मत करो और ये सब तो आप बात ही मत करो कि कुछ थॉट वॉट और आपकी प्रॉब्लम भी, मतलब इतनी भी बात मत करो आप कि आपको कोई प्रॉब्लम है। मतलब आपको तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, ये तो बेचने वाले ने आपको ऐसा बोला कि आपको ऐसा प्रॉब्लम है तब, ताकि वो अपना आंसर आपको देकर अपना काम दुकान चला सके। बिल्कुल है ना। तो जो भी आप लेकर आओगे ना, मतलब कुछ भी लेकर आओगे वो सब आपको ये लेवल दिया हुआ है, खुशी होना चाहिए और ये मतलब दुख ऐसा होना चाहिए, दुख से मतलब मुक्ति मुक्ति हमको चाहिए, या फिर हमको ये चाहिए वो चाहिए, भाईचारा चाहिए, प्रेम चाहिए, देशभक्ति चाहिए, जो भी है मतलब वो सब कुछ आपको आपने थॉट के लेवल पर लेकर आया हुआ है। ठीक है, तो वो ऐसा बोल रहा है कि ये जिसको आप पाना चाह रहे हो ना, वो आपके नेचुरल स्टेट है। सही, तो मैं जिस कंक्लूजन पर पहुंचा वो ये है कि स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस आते ही आपको उसको छोड़ देना है, क्योंकि वहां पर काम खत्म हो गया। और उसको आप छोड़ दो। समझ गया। ठीक है, और तो जब आदमी स्ट्रेस नहीं लेगा, तो आप सोचो यार, जब आदमी सुबह से लेकर शाम तक जब स्ट्रेस नहीं लेगा, तो जैसे आदमी को तो यार लोग बोलेंगे नहीं यार ये तो एनलाइटेंड बीइंग है। बिल्कुल है ना। सही बात है। अच्छा, इसमें एक और बात समझनी है कि जो मुझे नए नए पॉइंट समझ में आए वो ये आए कि श्वास रूपी घोड़े पर मन सवार है। क्या थी? श्वास रूपी घोड़ा है, सांस, उसके ऊपर मन सवार है, उसके ऊपर मन सवार है। ये बात रमन महर्षि ने कही थी। अच्छा, कि श्वास रूपी घोड़े पर मन सवार है, तो यदि आपने ये सांस को आते जाते पकड़ लिया ना, तो आपने बेसिकली मन को पकड़ लिया। अच्छा, ठीक है। तो मुझे नहीं पता था कि मैं इस तरह की स्थिति, इस तरह के लेवल पर आऊंगा, और ये लेवल मेरा इंतजार कर रहा है, लेकिन ये आ गया, तो मतलब मैं इसको रिकॉर्ड करके रखना चाहता हूँ, है ना। तो मैं तो बस अपना काम कर रहा था, मैं तो सांस पर ध्यान लगा रहा था। ठीक है,
अच्छा, अब जब सांस पे ध्यान लगा लिया ना, तो एक और मैं तेरे को खतरनाक बात बताता हूँ कि जैसे कि मैंने तुझे बताया कि ईगो, मैं तुम्हें मानता ही था कि कोई ईगो बुरी चीज हो, छोड़ने लायक चीज है। मैं तो उस पे फक्र करता था, और मैं ये भी बोलता था कि ये जो ईगो जो दुनिया मुझे बोलती है वो तो ईगो है नहीं, वो तो एक बात करने का तरीका है। ठीक है, इसी प्रकार से जब मुझे वासना पकड़ती थी, तो वासना को भी मतलब एक बार कई ओशो कई ओशो ने कई बार कहा था कि वासना के भी साक्षी बनो। वासना के तो मैं साक्षी साक्षी कभी बना ही नहीं, मेरे को लगा था कि वासना तो यार वो सही चीज है, क्या दिक्कत है उसमें यार, साक्षी क्या बनना उसका, बाकी चीजों का सही वही है ना। लेकिन अब ना सिर्फ मैं अपने ईगो का बात साक्षी बन पा रहा हूँ, बल्कि मैं अपनी वासनाओं का भी साक्षी बन पा रहा हूँ ना। अच्छा, अब और उसके बाद मैंने लिखा है कि क्लियरली पता चल रहा है दैट दिस इज ईगो एंड दिस इज फॉर बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। मतलब जैसे कि मैं कोई स्टेटस भी डालता था ना, तो और जो मैं कोई भी सुपीरियर सोसाइटी फेसबुक ग्रुप में कोई पोस्ट डालता था, तो उसके अंदर क्या होता था कि इट वॉज फुल ऑफ माई ईगो, और वो इतना फुल था कि उसमें उसके पीछे मैंने सारे तर्क भी इकट्ठे कर रखे थे कि ये मेरी वो नहीं है, ये तो मानव कल्याण के लिए मेरे को मतलब नहीं करो, मतलब ईगो इतनी मैंने अपनी जस्टिफाई कर रखी थी। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है कि मेरे को क्लियर क्लियर पता चल रहा है कि देखिए इसके अंदर इतना पार्ट तो ईगो वाला है, इतना पार्ट वास्तव में जन कल्याण वाला है। सही बात है, सही बात है। तो अब मुझे क्लियर क्लियर पता चल रहा है। ठीक है, हालांकि मैं अभी भी मैं इस चीज को काटना नहीं चाहता हूँ, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि ईगो वाला पार्ट इसमें डिसॉल्व हो जाए, लेकिन अपने हाँ, को लेकिन पता होना पता लग रहा है चाहिए यही। बिल्कुल बिल्कुल क्यों, बिल्कुल, क्योंकि ये साला बाद में जाके स्ट्रेस का कारण बनेगा हाँ सही बात है। है ना, और अपने को पता चलेगा नहीं कहाँ तक अपने को डिटैचमेंट कहाँ से शुरू होना चाहिए था, हाँ सही बात है। क्योंकि उसका कारण यहीं पर ही है। और या तो फिर आप इतने बड़े अल्फा बन जाओ कि ये बार बार ये मेंटेन कौन करे, आप ईगो को खत्म ही कर दो। ये बात तो मैं कभी सोच ही नहीं सकता था। मतलब जैसे कि जय कृष्ण मूर्ति है, जब वो भाषण देता है तो वो ऐसे ऐसी भाषा का प्रयोग करता है, द स्पीकर डज नॉट कंसिडर हिमसेल्फ टू बी एन अथॉरिटी, और ऐसा अपने सही बारे बात में है। अपने बारे में बताते हैं कि द व्हेन द स्पीकर वेंट टू यूएस देन दिस हैपेंड एंड दैट हैपेंड। मतलब वहीं पर ही बैठकर अपने आप को स्पीकर बोल रहा है। सही बात है, तो मैं ऐसा ईगो सोचता था कि यार ये, क्योंकि है ही नहीं। उस टाइम पे तो बहुत ईगो में था ना, ये बात 2018 17 18 की है, मेरे को तो पता नहीं था कि मैं हमेशा इतने बड़े ईगो में था। मैं तो ऐसा सोच रहा था कि मैं तो पता नहीं कौन से प्रकृति से कनेक्टेड हो गया, बट प्रकृति से कुछ कनेक्ट वनेक्ट नहीं हुआ था मैं, बस वो तो क्या है कि मेरे चक्र ऊपर उठ गए थे, छठे चक्र तक ऊर्जा पहुंच गई थी, इंटेलिजेंस बढ़ गई थी। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मुझे कोई ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है वो, है ना, तो ऐसा मैंने कभी कहा भी नहीं वैसे, है ना। उस बात को मैंने दबा के रखा कि मतलब ज्यादा मैं इसके ऊपर कम से कम बात करूं, क्योंकि अपने को उसकी नॉलेज नहीं है ना। लेकिन अब मेरे को समझ में आ रही है कि ये है वास्तव समझने वाली बात तो, और इसके सामने बाकी सारी बातें बहुत इनसिग्निफिकेंट है और फालतू है, मतलब टाइम पास है वो सब। चक्कर वगैरह पे बात करना, सुपीरियरिटी उपीरियरिटी, ये सब फालतू बातें यार, मेरे को समझ नहीं आई ये सारी और थ्योरी बना बना के इतनी कॉम्प्लिकेटेड तो। नहीं देखो गलत नहीं है वो, हाँ, लेकिन मैं उसकी महत्ता इसके सामने छोटी कितनी है। हाँ इनसिग्निफिकेंट है मैं ये बता रहा हूँ। हाँ मतलब ये बात मेरे को अब समझ में आई, जैसे ओशो की फिल्म देखी तूने? हाँ, हाँ वो देखिए, वो लड़का था, उसका नाम देखिए। तो ओशो की फिल्म में जब वो एक बांसुरी, जो गुरु बांसुरी के, जब वो बांसुरी बजा रहा होता है और उसको एक गुरु मिलता है ना, तो वो गुरु उसको बोलता है पानी की नाव में ले जाकर कि बांसुरी को पानी में फेंक दे, हो सकता है क्या? तो वो उसने बांसुरी फेंक दी थी, तो वो बात भी मेरे को बहुत ज्यादा समझ में आई नहीं थी कि मतलब बांसुरी तो यार बहुत अभी भी सीखी इसने, इतना बढ़िया लगाव है इसका, ये छोड़ कैसे सकता है। वो बात मेरे को ज्यादा ढंग से समझ में आई थी, लेकिन ये बात मेरे को अब समझ में आई। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऐसी कोई चीज नहीं जिसको मैं छोड़ नहीं सकता, सही बात है। और मतलब मैं ज्यादा इसका ढिंढोरा नहीं पीटता था, और मैं खुद भी इस बात को अपने आप को बुरा नहीं फील करता था, लेकिन मैं वास्तव में कई चीजों से अटैच्ड था। हाँ हाँ
ठीक है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो डिटैचमेंट क्या होता है। मैं डिटैचमेंट का कुछ अपना अलग ही मतलब निकाल रहा था, सही बात है, सही बात है। डिटैचमेंट को मैं इससे जोड़ता था कि मतलब मुझे नए नए आइडियाज आ जाते थे, है ना, और मैं उस पर काम करता था, तो मैं ऐसा सोचता था कि प्रकृति से जुड़ा हुआ हूँ मैं, तो प्रकृति मुझे आइडिया देती रहती है और मुझे ऊर्जा देती रहती है, उत्साह देती रहती वगैरह वगैरह। हाँ, लेकिन वो तो यार वो तो सिद्धि मात्र है, वो भी सिद्धि भी ऐसी है कि समाज के स्तर पे काम करने वाली सिद्धि है। मतलब सही बात है। वो तो यार मतलब क्या है कि ये जो दुनिया है ना, बेसिकली ये जो सब नजर आ रहा है ना, ये वास्तव में बहुत इनसिग्निफिकेंट है। अच्छा, कैसे? कैसे तो क्या, आप कैसे बोलेगा, तो फिर मैं वही पुराने वाले लेक्चर मार दूंगा। सही बात है, ये सही बात बात है। तो हर कोई कह ही चुका और मैं भी कह ही चुका हूं, लेकिन मैं तो बस कही थी, लेकिन इस बात की फीलिंग अब मेरे को आने लगी है कि ये अच्छा स्वप्न मात्र है, ये एक माया अच्छा मात्र है, ये ऐसे अनंत संसारों में से एक संसार मात्र है। और इसमें, अच्छा इसमें तो क्या, अभी एका टोल को भी जानता है क्या, किसको? एका टोल को, एका टोल, नहीं, एका टोल है वो भी ऐसा बहुत ही, पावर ऑफ नाउ जानता है, पावर ऑफ नाउ किताब, तो हाँ, समझिए समझिए समझिए। उसका राइटर है, ठीक हाँ, समझ गया। है। अब देखो ये बहुत ही मासूम वाली बात मैं कह रहा हूँ, उसका एक वीडियो मुझे हाथ लगा, उसका टाइटल था कि लिखा हुआ है इसके अंदर मेरे ख्याल में, हाँ, लाइफ इज डिजाइंड बाय यूनिवर्सल इंटेलिजेंस टू गो रॉन्ग। गो मतलब लाइफ इज डिजाइंड टू गो रॉन्ग, रॉन्ग। मतलब जो लाइफ है ना, जो जिंदगी है, उसमें मतलब चूतिया पे होंगे ही होंगे, सही बात ये बात उसने कही है। और ये बात तो बड़ी सरल बात है ना, इसमें कोई समझने है। वाली बात तो है नहीं, ज्यादा गहरी बात तो है नहीं, हाँ, लेकिन ये और बात क्या, गहरे मेरे समझ में आई है। और क्या। मैं अपने ईगो में और अपनी परिभाषाओं में इतना फंसा हुआ था कि मैं इस बात को कंसिडर ही नहीं कर रहा था कि सही बात, वही समझिए चूतिया पे हो समझिए। सकते हैं, तो होने दो यार, लेकिन उसको उसकी इतनी स्ट्रेस क्यों लेके बैठे हो आप, है ना। ये बात मेरे को अब समझ में आई। और एक और बात मेरे को समझ में आई, ये तो बहुत ही टेक्निकल बात है, अगर इसका जो इसका टेक्निकल आपको दृष्टिकोण समझ में आ जाए तो है फिर जिंदगी जीने का मजा। मतलब मेरा एक गुरु था जिसके बारे में हाउ आई केम टू नो अबाउट रॉसचाइल्ड वाली वीडियो में बात की गई है 2014 में दिल्ली में, तो वो मेरे को एक बात किया करता था कि टेक लाइफ सीरियसली बट नॉट दैट मच। अब ये तो यार मेरे को बड़ी साधारण सी बात लगती थी यार, उसमें क्या है, वो कोट है ये तो, दैनिक उक्तियां ये तो, लेकिन ये बात मेरे को अब समझ में आई कि टेक लाइफ सीरियसली का क्या मतलब है और बट नॉट दैट मच का क्या मतलब है। मतलब ऐसा है कि अगर मेरा कोई बिजनेस डूब रहा है तो मैं उसको बचाने का पूरा भरसक प्रयास करूं, एड़ से लेके चोटी का, और यदि डूब गया तो भी मैं मस्त रहूं। क्यों? क्योंकि वो तो वो इंसिग्निफिकेंट मेरे है। जो हाथ में प्रश्न का आएगी। जवाब, पूरा प्रश्न था ना कि इंसिग्निफिकेंट है, ये उस बात का उत्तर ये है कि वो ये बात तो बहुत ही, अगेन एक और ये वाली बात है कि जो चल रहा है ये फिल्म की तरह चल रहा है, ये भी पुराना सिद्धांत है। तो भाई जब आपको पता है और जब मेरे को भी पता था कि ये फिल्म की तरह चल रहा है, तो भाई साहब ये फिर ये इसका अभ्यास प्रतिदिन क्यों नहीं किया जाता, मैं खुद ही नहीं करता था यार, मैं किसी सुपीरियर से क्या आशा रखूंगा। मतलब साक्षी भाव का अभ्यास करना, इसी से पता लगेगा कि फिल्म चल रही है। हाँ, ये सारी चीजें एक दूसरे से जाके जुड़ गई है भाई, फिल्म चल रही है, आप बेवकूफ हो के यार, आप अभी कोई शाहरुख खान की, अक्षय कुमार की फिल्म उठा के देखो, मतलब आप वहां सही पर बात। डिफरेंशिएट कर पाते हो दोनों चीजों की, एक्टिंग कर रहा हो और ये फिल्म चल रही है, मतलब तो वहां पर आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, तो यहाँ भी तो करो ना यार, यहाँ पर इतना बिल्कुल गंभीर क्यों बिल्कुल। लेकर बैठे हो, आपने तो इतना गंभीर ले लिया, उसका स्ट्रेस जा रहा है यार आपकी पूरे बॉडी के अंदर। सही। है ना। हाँ, तो ये था। अच्छा, इसमें एक और बात थी कि फिल्म चल रही है और चलो ठीक है, याद नहीं आ रही। अच्छा हाँ, तो टेक लाइफ सीरियसली बट नॉट दैट मच, मतलब फिल्म को देखना है, पूरा उतर के देखना है, बट नॉट दैट मच, तो कितना नॉट दैट मच, जहां से स्ट्रेस शुरू होता है,
वो अब मेरे को समझ में आया, मतलब अब बेसिकली प्रॉपर ये सारी बातें 2+2 4 के बराबर हुई, ये सारी बातें पहले मेरे को क्लियर नहीं थी। ठीक है, अच्छा। और एक और बात मेरे को समझ में आई, मतलब ये बात तो तर्क के आधार पर समझ में आई चुकी थी पहले, और अच्छा हुआ मतलब वो मार्ग मैंने चुन लिया। तो वो ये है कि इमोशंस वॉचिंग इज द वे टू एग्जिट द मैट्रिक्स। अच्छा, मतलब मैट्रिक्स से बाहर निकलने का जो सही मार्ग है ना, बेसिकली वो अपने भाव को देखते रहना है। अब्राहम हिक्स ने हमेशा ये बात कही कि आपकी जो रियलिटी है वो भावों से बनती है, मतलब आपके भाव से बेसिकली वाइब्रेशन बनते हैं और वाइब्रेशन जाके रियलिटी बनती है। तो मेन जो चीज जिसको आप पकड़ना है ना वो भाव है, विचार का महत्व नहीं है, विचार से उत्पन्न जो भाव होते हैं उन भावों का महत्व। अच्छा, विचार तो अभी आप दो शब्द है, अभी आप दो प्रैक्टिस कर रहे थे, एक प्रैक्टिस तो ये थी कि विचार देखने की, दूसरी प्रैक्टिस थी कि भैया भाव जो उठ रहे हैं उन्हें देखने की। नहीं, भाव जो उठ रहे हैं उसको देखना ही नहीं, वो तो मेरे को पता है, इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है बहन जो दुनिया से, दुनिया पे गुस्सा सिंगल मात्र यही भाव था, अलग अलग प्रकार के भाव की बात ही नहीं है। और मुझे बता दे कब 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 उठेगा, तो वहां पर जाकर सांस पकड़ लेनी है। अच्छा, ठीक है। तो उसके साथ तो मैं नैरेटर वॉचिंग का भी अभ्यास करता था कि दिमाग के अंदर ना एक स्पीकर है साला, वो मस्जिद वाला स्पीकर में दिमाग में फिट हो गया यार पिछले 5 सालों से, 2016 से है ना। तो तब से मतलब अंदर है ना एक वो लाउड स्पीकर की तरह चलता रहता है, तो साला मेरा दिमाग खाता रहता है यार। वो बंद ही नहीं हुआ 5 साल से। अच्छा, मैं इतना बोल दिया, इतना लिख दिया, तो भी बंद नहीं हुआ वो, तो उसको भी बंद रखना होता है। वो चालू रहकर वो स्ट्रेस और बढ़ाता रहता है। तो वो सब था, ठीक है। अच्छा, एक और मैंने इसमें पॉइंट लिखा है, वो है कि कृष्णा स्माइल। कृष्ण की स्माइल तो मेरे को समझ में नहीं आई यार कभी, हर जगह मतलब कृष्ण स्माइल ही करे जा रहा है। कोई भी नया आप कोई ले लो, वेब सीरीज ले लो या कोई भी सीरियल ले लो, फिल्म ले लो, पुराना कोई ले लो, कृष्ण स्माइल ही किया जा रहा है। और मतलब मेरे को ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, वो कभी बात समझ में आई नहीं। तो ऐसा क्यों स्माइल किया जा रहा, मतलब इतना फेक कैसे हो सकता है कोई आदमी, हर जगह स्माइल ही किया जा रहा है यार। है? उसको उसका उसका कोई दुश्मन आकर उसको एक बड़ी सभा के अंदर ललकार रहा है, वो हर चीज पे हंसता रहता है, कोई मरे कोई जिए यार, कोई चक्कर व्यू किसको कुछ काट दे, हंसता कैसे रहता है मतलब वो। तो मेरे को अब समझ में आई वाली बात यार, कि उसको यार वो उसको बहुत अच्छे से पता है यार, जैसे हमारे सामने फिर हेरा फेरी फिल्म चल रही होती है ना, तो हमको बहुत अच्छे से पता होता है ना, तो वैसे उसको बहुत अच्छे से पता है कि फिल्म चल रही है यार। ठीक है, तो ये फिल्म है भाई, अभी इसी फिल्म में यार पवन शर्मा भी और रोजचंद भी है, तो तुम देख लो यार, तुमको कुछ की साइड लेना है, क्योंकि फिल्म में भी तो तुम साइड लेके ही फिल्म देखते हो है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके अंदर तुम्हारी चुद गई तो तुम भी चुद गए, ऐसा नहीं है। तो उस बात की हंसी है कृष्ण के चेहरे पर, कि उसको ये बहुत अच्छे से पता है, और ये बात हमको अच्छे से नहीं पता है, और जितने भी पता है वो भी तर्क के आधार पर पता है, उसकी अनुभूति में ये पूरे टाइम है, ये बात के सामने जो भी चल रहा है, फिल्म ही चल रही है, उसको इस बात का कोई शक ही नहीं है कि वो कुछ देगा या कुछ खा लेगा या कुछ बन जाएगा या कुछ उसकी बेइज्जती हो जाएगी या फिर कुछ मर जाएगा, उसी बात का उसको कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है, उसको उसके कोई प्रश्न भी नहीं है उसको लेकर यार, क्योंकि उसको पता फिल्म ही है, इसमें क्या प्रश्न पूछ लो। कृष्ण की स्माइल का रहस्य अब मेरे को समझ में आया, ठीक है, क्योंकि मैं अंदर ही अंदर मेरे को अपने आप से ये क्वेश्चन भी था, क्योंकि यार मैं तो सबको सबसे सुपीरियर आदमी कृष्ण को मानता था, और मैं तो इतना अंदर से हजमुख आदमी नहीं हूँ, तो मेरे को अंदर ही अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट लगता था, ये ऐसा क्यों है, काश मैं भी कभी उसके जैसा बनूंगा। अंदर से ये बात मेरे को अब समझ में आई, लेकिन इसमें भी देखो मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने वो जो रास्ता है वो ठीक से, ठीक है ना। अच्छा, उसके अंदर क्या है, जो सुपीरियरिटी का मार्ग है उसका भी महत्व है ना, लेकिन उसका महत्व है, लेकिन क्या है कि वो उसके चले बिना भी कभी कभी संभव है कि किसी के लिए ये ऐसी उसको बात समझ में आ जाए,
वो दृष्टि देने वाली बात ही तो और क्या। है ना। और जो फिलोसोफर बार बार बोल रहा है, धर्मगुरु बोल रहा है कि जो है ये जो सेल्फ है, जो आत्मन है, वो उसकी अनुभूति होनी चाहिए। हाँ तो अनुभूति आपको भाव रूप में तो होगी बेसिकली। तो जो वो जो भी मैंने पता तुझे उस नहीं। दिन दिलाया वो भाव ही तो था, हाँ वो तो भाव था सर। है ना। और भक्ति मार्ग से भी लोगों को हाँ भाव ही मिलता है, जो जो मीरा टाइप के लोग कृष्ण के प्रेम में पड़ जाते हैं और फिर वही उनका परमात्मा होता है। तो हाँ, वो मैं ये नहीं कहूंगा कि उस वो जो भाव है वो मतलब वो जाना पहचाना भाव है, बट जो भी है वो कैटेगरी भाव में आएगी वो उसकी, क्योंकि कम से कम 5 इंद्रियों के तो वो परे हाँ है ना। और 5 इंद्रियों के परे हाँ बोलकर बेसिकली उसकी जो अनुभूति है ना, उसको और कॉम्प्लेक्स किया जाता है, क्योंकि 5 इंद्रियों के परे तो यार बहुत सी चीजें हैं। जैसे किसी लड़की की याद आती है तुमको, मतलब जो प्रेम होता है बेसिकली आकर्षण होता है, ममा के प्रति प्रेम समझ लो, भाई के प्रति प्रेम समझ लो, वो सब भी तो 5 इंद्रियों के परे ही होते हैं, है ना। वो मन के अंदर होते हैं, भावों के अंदर होते हैं, हाँ है ना। हाँ ये मन से भी परे की चीजें। हाँ, तो ऐसे तो मतलब हाँ, आप बेसिकली भाव की स्पिरिचुअलिटी का भी मार्केट नहीं है, पॉइंट ही है, और कोई तरफ ज्यादा बात नहीं कर रहा है। भावों की जो स्पिरिचुअलिटी है, जिसको देखो विचारों की स्पिरिचुअलिटी पर बात कर रहा है वो, और विचारों के पार जाने की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद क्या है कि आई नेवर अंडरस्टूड एकाटोल, जय कृष्ण मूर्ति और रमन, ये मैंने लिख दी बात, मेरे को आज समझ में आएगी, कभी मैं समझा नहीं था उनकी बात को, ठीक है। हालांकि मैंने इन सबके प्रति अपने ईगो को बचाए रखने के लिए इन सबके प्रति तर्क भी तैयार कर रखे थे, मतलब मेरी ईगो तो इतनी हरामी है कि वो सबके प्रति तर्क भी तैयार करके रखती है। मतलब कोई आज के पहले कोई ले आता ना मुझे जय कृष्ण मूर्ति के बारे में बात करता, तो मैं काट देता जय कृष्ण मूर्ति का उसके सामने, रमन का भी काट देता, और उसका डिफेंस वो बंदा नहीं कर पाता। हाँ, शायद जय कृष्ण मूर्ति स्वयं आ जाता या रमन स्वयं आ जाता तो उसका डिफेंस कर लेता, सही बात ठीक है, है। लेकिन मैं वो सामने को चुप करा देता। जैसे कि मेरे पास ऐसी चीजें हैं, जैसे कि जय कृष्ण मूर्ति का ये फार्मूला है, ये वाला कि आपके अंदर जो प्रतिक्रिया हो रही है उसको आप देखते रहो और आपको किसी चीज से इरिटेशन नहीं होगा, ठीक है। और आप तो फ्रीडम फ्रॉम नोन की बात करते हो, फ्रीडम फ्रॉम थॉट की बात करते हो, तो ये सब आपके पास ज्ञान है, ठीक है। तो आपके जब दोस्त लोग वहां पर आपको क्लब में लेकर गए, तेज म्यूजिक था, तो आप बक्के वार का को आ गए भाई, आपको तो वहीं पे डल जाना चाहिए था, लाइक वाटर, आपका माइंड तो आपका ऐसा है, वहां क्यों नहीं डले आप। तो ये कहानी जो थी ये उसके विरोध में जाती है, ये कहानी मेरे को आशीष शुक्ले ने सुनाई थी, ठीक है। अच्छा अच्छा, वो अब जैसे रमन भी विरोधी है, रमन वो है, भी सबका विरोध करता नहीं नहीं यार वो ठीक है, था आशीष शुक्ला के बारे में मैं तेरे को बताता हूँ स्पष्ट रूप से क्या है कि देखो, बात एक्सपोज। करने का तरीका तो मेरे को भी पसंद नहीं है उसका, ना उससे कुछ अप्रूव में, ठीक है। लेकिन वो ऐसा कोई विरोध करने वाला बुरा आदमी नहीं है, वो काम अच्छा कर रहा है, और जिसको वो नॉलेज उसकी इम्पोर्टेंट होती है ना, जिसको 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 चाहिए होती है, उस तक पहुंचाने का काम कर रहा है वो, ठीक है। जैसे कि आज आज मैंने एक और वीडियो देखा था उसका, तो उसमें वो कह रहा था कि दो पारसी औरतें रमन के पास आई, तो बेसिकली क्या बात कर रही थी वो उससे, तो वो उसने बहुत अच्छी बात बताई कि रमन उनको बोल रहा था कि जो सेल्फ है वो तुम्हारे अंदर ही है, तो तुमको कहीं बाहर जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है और उसको लिए कोई मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है, तो मतलब उसको बस वीरता से पहचान लो ये तुम्हारे अंदर है। तो फिर वो पारसी औरतें बोले कि भाई जब हमको हमारे अंदर है तो फिर मतलब मैं क्यों उसके लिए फाइट मारूं, तो वो बोलता है कि तुम्हारे अंदर है लेकिन तुमने उसे पहचाना नहीं है, तुम उसको तब पहचानोगे जब तुम अपने आप से ये प्रश्न पूछोगे कि मैं कौन हूं, और विचारों का जंजाल जब छटेगा तब, ठीक है। तो इस तरीके से वो ये बात मेरे को बहुत अच्छी तरीके से रियलाइज हुई, मतलब मेरे को रियलाइज हुआ कि मतलब मैं तो क्या था, हमेशा ईगो में फंसा हुआ था ना, थॉट के बनाए हुए ईगो में फंसा हुआ था, मैं हाँ तो हाँ इस सही। आइडिया को कंसिडर नहीं कर रहा था। मतलब जैसे कि मैं और एग्जाम्पल देता हूँ, एक सदगुरु का वीडियो था जिसके ऊपर जो थंबनेल थी उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि ऑर्गेजम या सेक्स से भी ज्यादा आनंद है इसमें, ऐसा कुछ करके। मैंने तो वो वीडियो ही कभी नहीं खोल के देखी, सही बात है। मतलब कंसीडर हाँ भी नहीं किया उसको खोलना मैंने, क्योंकि सही बात है, कैसा हो ही नहीं मैं सकता। उधर जाने जाने में इंटरेस्टेड नहीं था यार, उसकी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं था, मैं तो बोल रहा था कि यार
मतलब एक्चुअली मेरा क्या हिसाब था, मेरा ये हिसाब था कि भाई पहली बात तो आपको चारों तरफ आपके अबंडेंट सेक्स होना चाहिए, फ्री अवेलेबल होना चाहिए, बिल्कुल उसके बाद जाकर बिल्कुल हम थोड़ा बात करेंगे एनलाइटनमेंट पे, देख लेंगे तब। हाँ ठीक है, आप फिर अच्छा मैं ये वीडियो देख लूंगा जिसमें ऐसा कह रहा है कि सेक्स से ज्यादा मजा किसी और चीज में सही है। बात कैसा तो ये बात मेरे को अब जरूरी समझ में आई नहीं होना, मतलब है। हाँ अवेंडेड ना हो तब भी मतलब देख सकते हैं वीडियो को। हाँ नहीं मतलब वो तो उसको वीडियो नहीं देखने की जरूरत ही नहीं है ना, ये बात मेरे को आप समझ में आई कि कौन से आनंद के बारे में बात चल रही है, कौन से परमानेंट अवेयरनेस वाले आनंद के बारे में बात चल रही है। ठीक अच्छा। है, तो ये मैं किस बारे में कह रहा था कि मतलब ऐसे लिख दिया मैंने कि जो एकाट टोल है और कृष्णमूर्ति और जो रमन है उसको कभी समझ नहीं पाया था, और अब मेरे को समझ में आ रही है सारी बातें। ठीक है, अच्छा तो अभी तो मुझे इतना ही कहना था, और इसमें कुछ पूछना हो तो बताओ। नहीं मुझे जो है आनंद शुक्ला का जैसे मैं एक दो बार देख रहा था तो वो ये कह रहा था कि भैया मतलब वैसे जान का ही देखा थोड़ी क्लीशे टाइप की कि भैया ब्रह्मचर्य का पालन करो तो सब लोग कहते हैं भैया, जो सामान्य सी बात बताता है मतलब वो हाँ जैसे बहुत ज्यादा देखो लोग वो, बता हाँ रहे हैं। वो सही बात है, उन सब विषयों पर करता ही है वो, लेकिन उसको यार वो हमारे काम का थोड़ा ना, मैं तो ऐसी चीज जाके खोलूंगा ना कि भाई उसने कोई कहानी सुना रखी हो कभी ओशो के जमाने की, है ना। ये तो अलग प्रकार का कंटेंट है, तो फालतू कंटेंट है वो, उसका टाइटल इसका ऐसा होगा कि पोर्न देखने की आदत कैसे छोड़े, तो इस पे थोड़ा ना मैं जाके क्लिक करूंगा यार भाई ऐसे। ठीक है ठीक है, समझे। तो वैसा है मतलब कुल मिला के आपका ये दो तीन साल से आप जो वो कर रहे थे मतलब साक्षी भाव से हुआ है सब कुछ जो है रिजल्ट। हाँ, साक्षी भाव से हुआ है, आनापान करने से हुआ है, मेरे को नहीं पता था हाँ आनापान बेसिकली इतना पावरफुल हो सकता है। और मैं क्या है कि मतलब वो वैसे एक तरीके से साक्षी भाव ही है, मतलब एक तरीके से देखना सांस को कभी विचारों को देखना। हाँ, साक्षी भाव प्रबल करना ही है वो, विचारों को देखना। ठीक है, तो ऐसा है बाकी। हाँ अब क्या है कि क्योंकि इस प्रकार का मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो मेरे को अब इसमें से क्या लालच आता है कि मेरे को ठीक से हो जाए ये, तो इसमें दो बातें होती हैं। एक तो मुझे स्पष्ट पता चल जाता है कि अभी लालच राइज हो रहा है मेरे अंदर, इतना तो मैं कभी ऑब्जर्व करता नहीं था अपने अंदर की भावनाओं को, अपने अंदर की वासनाओं को। वासना तो शब्द में डिस्कस करना मतलब पसंद ही नहीं करता था, मुझे लगता था कि वासना जो एक नेगेटिव शब्द क्यों बना रखा है यार, वासना होना तो अच्छी बात है, उसमें क्या दिक्कत है ना। तो बस ये सब मुझे पता चल जाता है कि कब मेरे अंदर से लालच उठा है, और तो फिर मैं सोचता हूँ चलो क्या करना है। एक तो बेसिकली जो उठ रहा है तो उठ रहा है, उस प्रतिक्रिया का मैं, मुझे कुछ करना थोड़ी ना है, प्रतिक्रिया को तो मैं कभी रोक नहीं रहा था, प्रतिक्रिया को तो मैं हमेशा देख ही रहा था। ठीक है, तो उसको भी बस मैं देख रहा हूँ, तो उसका फिर मैं, मेरे पास यदि उत्तर होता है तो मैं उत्तर ये सोचता हूँ कि इसका जो बेसिक है ना, बार बार इसको बेसिक पे यदि आप आ जाओ तो आपका लेवल अप हो जाएगा। ऐसे इसका बेसिक ये है ना, बेसिकली बेसिक इसका आनापान है, आती जाती सांस को देखते रहना, बार बार देखते रहना, भले बार बार डिस्ट्रैक्ट भी होते रहना, लेकिन हजार बार वापस लौट कर भी आते रहना। ठीक है, और वो तुम डिसाइड कर सकते हो कि कहाँ पर देखना है तुम्हें। मैं तो उसको पेट में देखता हूँ और नॉस्ट्रिल्स में देखता हूँ, तो कहाँ पर देख रहे हो तुम उसके अनुसार क्या है कि वो शिव सूत्र की जो 112 विधियां है ना, उनके नंबर बदलते रहते हैं। मतलब कोई पहले नंबर पर बोलेगा कि आती आती को देखो ये एक विधि हो गई, दूसरा नंबर की विधि है जाति जाति को देखो दूसरी विधि हो गई, तीसरी विधि हो गई आते जाति को देखो उनके समानांतर क्रम को देखो, तीसरी विधि होगी चौथी विधि होगी जहां से घूम रहा है वहां पे देखते रहो, फिर चौथी विधि हो गई जिसको गोले की तरह कंसीडर करो, तो ये पांचवी विधि हो गई। ठीक है, जब ऊपर से घूम रहा है तो छठी विधि हो गई, तो ऐसे कर करके विधियां बना दी है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि तुम वो अपने हिसाब से देख लो, विधि में जाने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें कहाँ पे। मतलब ये भी तो विभाजन तभी कर पाएंगे ना जब हमारा थोड़ा कंसंट्रेशन होगा, क्योंकि अभी हम सांस देख रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा कि आती को देख रहे हैं जाती को देख रहे हैं, वो तो बारीकी से जब अभ्यास हो जाएगा उसके बाद पता लगेगा कहाँ पे घूम रही है सांस कहाँ पे नीचे जा रही है इस टाइप से, वो अबे भी सांस थोड़े अभ्यास के अंदर बाद जा ही रही आएगा। है, जब पेट फूल रहा है तो स्पष्ट पता चल रहा है ना कि सांस अंदर जा रही है, इसमें कोई सूक्ष्मता कहाँ है।
मतलब उस फिर वो टाइम मिसमैच हो जाता है ना, वो एकदम प्रेजेंट में जैसे आती ही बिल्कुल आ रही है, ऊपर चढ़ रही है, एक एक प्रेजेंट मूवमेंट तो देखना, वो अभ्यास के बाद ही आएगा शायद। नहीं तो इसमें बरकरार रख पाना ये कम इम्पोर्टेंट है, हाँ और बार बार उस मौके पर लौट आना ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा बात इम्पोर्टेंट है। तो कितने क्षण तक आपने उसको देखा उसका महत्व तो नहीं है, क्योंकि वो बाय हाँ प्रोडक्ट हाँ है पहले वाले पॉइंट का, और पहला वाला पॉइंट बिल्कुल ये है कि बिल्कुल आपको बार बार लौट लौट के आना है, तो आपको अपने बिल्कुल जिंदगी में अपने घर में वो बना लेने, मतलब कि एंकर बना लेने के, बिल्कुल सीढ़ी चढ़ूंगा तो साला पूरी सांस देखते सीढ़ी चढ़ूंगा, उतरूंगा तो सांस देखते सीढ़ी उतरूंगा, है ना, कमरे में घुसूंगा तो भी सांस देखूंगा, निकलूंगा तो भी सांस देखूंगा, उठूंगा तो भी और बैठूंगा तो भी, और सांस देखते हाँ से सोने स्वप्न में जाऊंगा। मतलब आपको समझ में आना चाहिए यार, ये वास्तव में इससे बढ़िया प्राप्त करने लायक कोई चीज ही नहीं है। और वो टाइटल सही बात कह दी सदगुरु ने उसमें, उस हाँ, थंबनेल हाँ में, ये सेक्स से भी ज्यादा ऑर्गेजम है इस चीज के अंदर। वास्तव में है। हाँ मतलब अब मैं इस बात को मान रहा हूँ, वो कितना है वो मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेरे हाँ को मतलब उसका ओरिजिनल है, फ्लेवर थोड़ा आ बहुत गया। दिख रहा है, फील हो रहा है। हाँ हाँ फ्लेवर आ फ्लेवर गया। मुझे उसका आ गया, और मेरे को ये बात समझ हाँ में आ हाँ गई, और आप अब मैं कुछ भी छोड़ने को तैयार हूँ। उसके लिए हाँ हाँ, मतलब मतलब और इतना मेरे को समझ में वासना भी आता है, महत्वपूर्ण नहीं है, हैं वासना भी उसके सामने कोई बेकार है, मतलब क्या। उस फ्लेवर के सामने, वासना भी उसके फ्लेवर के सामने बेकार है। हाँ अब इसमें भी वो बात समझने की जरूरत है कि मतलब लोगों ने क्या है कि उसकी प्रति रेसिस्टेंस डेवलप कर लिया है, मतलब ये वैसी चीज है कि जैसे जैसे राजीव दीक्षित है, राजीव दीक्षित को तू मिरिंडा पिलाता हाँ तो वो एक घूंट पी के क्या बोलता, ऐसे बोलता अच्छा लग रहा है उसमें क्या है, उसको नहीं अच्छा तो हाँ लग रहा ही है उसको क्या है, लेकिन उसको लगता है कि, सही लेकिन उसको बात गंदे का जूस पीने में ज्यादा मजा आ रहा हाँ है ना। बिल्कुल तो जितना सेक्स में मजा है या बाकी चीजों में मजा है जिसमें दुनिया ढूंढ रही है मजा, तो हम हाँ उनको तो काउंटर कर ही नहीं रहे, वो सही बात है, वो तो है ही मजा, लेकिन उसके तो उससे है। भी ज्यादा उसमें ज्यादा है, लेकिन अब आप ये और देख साफ लो साफ कि छोड़ते हैं। इससे भी जो ज्यादा वाला है भाई, जो यहाँ पर है जो इंद्रियों द्वारा हो रहा है वो वास्तव में बहुत ज्यादा इंटेंस है, तो जो उसके परे वाला है वो एक्चुअली उतना इंटेंस है। और इसमें सबसे बड़ी जो बात आपको याद रखनी है वो ये कि ये सामने ही पड़ी है, और उठाना चाहो तो उठा लो, और एकदम फ्री पड़ी है। अच्छा, और लेकिन इसका जो सूत्र है वो मुझे ये है कि जितना स्ट्रेस फ्री आप रह सकते हो। इसी बात को लेकर संदीप महेश्वरी ने उस वीडियो में कहा था कि मतलब वो जो आप पाना चाह रहे हो उसके लिए आपको कुछ त्यागना पड़ेगा, वो क्या त्यागने को तैयार हो आप, और त्यागने के बाद भी गारंटी नहीं है कि वो जो मिल जाएगा आपको, और मिल भी गया तो जरूरी नहीं कि आपको मजा आएगा, क्योंकि वो इतनी बेसिक चीज है कि आपको समझ में नहीं आ रही है, अच्छा मतलब बहुत बेसिक चीज है, और आपको सब कुछ त्यागने के बाद सारा घर बार छुड़वा दिया, सारी दुकान छुड़वा दी, और अब इतनी सी बात समझ नहीं थी कि टेंशन नहीं लेनी थी। अच्छा समझे। तो आप टेंशन नहीं लेने वाले पॉइंट पर आ जाओ और रियलाइज करो यार इतनी सी बात थी कि मुझे टेंशन नहीं लेनी थी। तो ये वही फार्मूला है, टेक लाइफ सीरियसली बट नॉट दैट मच, और मैं उसको है मतलब करके आगे आनंद, लोगों आनंद किस चीज में, मतलब टेंशन छोड़ने में या फिर सांस को ऑब्जर्व करने में, वो आनंद किस में आता है, या वो 24 घंटे रहता है, मतलब क्या सीन है? देखो, एक तो क्या है कि आशा जुड़ी हुई थी इससे, सांस से, है ना, इसीलिए ये करने में क्या है कि बुरा नहीं लगता था, आनंद आता था, उसके बाद ये एडिक्शन बन गया, और उसके बाद ऐसा रियलाइज हुआ, क्योंकि ये रियलाइज हुआ कि मतलब ये तर्क के आधार पर तो मेरे को बचपन से रियलाइज था, 8वीं क्लास से ही बात चल रहा थी, बट अनुभूति में नहीं आई ये बात, अब आई वो तो आने लगी कि जो सारा जो वो है ना, जो आनंद है, मतलब मजा है जो भी, सेक्स का मजा हो या फिर फिल्म देखने का मजा हो या बारिश में भीगने का मजा हो या फिर कुछ भी खाने पीने का मजा हो, वो सारा मजा इसी में है बेसिकली कि सांस की क्वालिटी क्या है, अच्छा क्योंकि अल्टीमेटली हर चीज क्या है कि हर चीज जो आपको मन और इंद्रियों के द्वारा दी जा रही है ना, उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि क्या मजा आ गया भाई, सत्य सत्य मतलब सत्य पूरी गहरी सत्य, सांस समझ छूट जाए तेरी और तू एकदम आनंद में गया, चला अब जाए, समझ आ गया, अब समझ आ गया। तो ये यहाँ नहीं दुनिया पकड़ रही है, दुनिया पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस चीज के पीछे भाग रही है, और ये नहीं सोच रही कि दोनों के दोनों जो अच्छा
जिस स्टेट में लेकर आ रहे हैं ना, वो इतना कंप्लीट रिलैक्सेशन के स्टेट में लेकर आ जा रहे हैं इसको। बस ये है कि वो आभारी कारण से आप ले रहे हो तो बार बार लेना पड़ रहा है, तो फिर बार बार उसकी दुकान चल रही है, वो अमीर हो रहा है, और आपको आपके पास तो कंट्रोल बचा ही नहीं, आपने तो कुछ लगाम ही उसको दे दी। ठीक है, तो फिर तो बहुत बड़ा बाजारवाद है। मतलब कि अब क्या है, जैसे फिल्में जिस प्रकार क्रिकेट चलते हैं, भाई फिल्म दिखाकर क्या कर रहा है, आपको समझ में नहीं आ रही इतनी बड़ी बात और इतनी सिंपल सी बात कि फिल्म दिखाकर कोई आदमी आपके भावों को कंट्रोल कर रहा है, और भावों से सांस सीधी जुड़ी हुई है, तो सीधे सांसों को कंट्रोल कर रहा है कोई आदमी। जितनी भी फिल्में बनी है, जितने भी क्रिकेट है, जितने भी मीडिया चैनल है, वो सीधे आपके सांसों को पकड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मतलब कितना ज्यादा कनेक्टेड है कि मतलब जैसे कुछ हॉरर दिखा दिया तो धड़कन तेज हो गई, सांस तेज हो गई। हाँ। अगर हम शांति में बैठे हैं तो बिल्कुल डीप सांस आ रही है, और आनंद आ रहा है तो बिल्कुल रिलैक्सेशन में छोड़ रहे हो। हाँ। तो हर चीज सांस से कनेक्टेड है। हाँ, हर चीज सांस से कनेक्टेड है। तो जैसे तुम्हारे जैसे लोग इसमें ये वाला हट योग करते हो ना, तो उसके बारे में ये लोग बोलते कि सहायक है, मतलब ज्यादा इतना कुछ फायदा नहीं है, बट ये सहायक है, क्योंकि कुछ नहीं करने से तो बढ़िया है, ये वाला काम कर लो, लेकिन मतलब परमात्मा की जो प्राप्ति है, सेल्फ रिलेशन है, वो इतनी ज्यादा चिल्लड़ चीज है कि मतलब उसके लिए सिर पे के खड़ा हो गया यार, तो शीर्षासन कर रहा है। इतनी भारी चीज नहीं है ये, है ना। ठीक है, बट सहायक जरूर है, क्योंकि उस मार्ग से जाकर आप मन पर कंट्रोल कर लेते हो, सांस पर कंट्रोल करते हो, तो मन पर कंट्रोल बढ़ता है। अच्छा, मुझे एक चीज पूछनी थी कि जैसे आप बोल लेते हैं कि 10 सेकंड का गैप आ जाता है आपके जब प्रैक्टिस करते हो चीज़ का, तो उस दौरान में कोई विचार नहीं रहता है, तो मतलब उस दौरान मतलब जैसे आप लौट के आते हो उसके बाद, तो फिर क्या लगता है यार यहाँ से कट गया, मतलब बीच का सीन कट गया, या तो लगता है ब्लैंक हो गया या ब्लैकआउट हो गया, मतलब क्या कैसी फीलिंग होती है उस दौरान में? कौन से दौरान में? जिस दौरान में मतलब विचार शून्यता में पहुंच गया, विचार शून्यता। हाँ हाँ हाँ, जब उसके वापस आए लौट के 10 सेकंड बाद पता लगा रही, जो 10 सेकंड तक विचार ही नहीं आ रहे थे या जो भी था, मतलब पता कैसे लगा कि 10 सेकंड कटे? वो अंदाज से। अच्छा अच्छा, ठीक है। और वास्तव में जब मैं वहां पर था, वहां पर नहीं नापा होगा, क्योंकि वहां का टाइम तो अलग ही होता है। जब विचार चलते हैं तो उसका भी अलग क्लॉक होता है, बट वास्तविक क्लॉक तो आपका जो है वो मशीन का ही है। बट इसके बारे में यदि तूने बात पूछी है, तो मैं एक और बात, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो समझने की, वो ये है कि एक तो अच्छा ये एक्सपीरियंस भी है, मैं इसकी कोशिश तो कर ही रहा हूँ पिछले 4 साल से, और 4 साल में मतलब इतना भी ज्यादा इसमें मैं नहीं पहुंचा हूँ कि मतलब ये मेरे लिए बहुत ही सामान्य बात हो, तो ये जब भी घटती है तो मेरे लिए बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली और खुश कर देने वाली बात होती है। तो ये आश्चर्य का जो विचार होता है और खुशी का विचार होता है, ये आके उसके अंदर कूद जाता है उस खालीपन में। ठीक है, ठीक है, जिसमें मुझे कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि ऐसे एक आधा विचार आ जाए तो यार मैं तो वही वाली बात, कहाँ से आया हूँ या कहाँ का मुसाफिर हूँ, सही बात है, मैं तो कौन जंगल से आया हूँ, है ना। उसमें अगर ऐसे 2-4 विचार ऐसे हंसते खेलते रहे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और विचार का भी क्या यार, मैं तो कौन सी इमोशन बेसिकली जो जिनमें मैं जल रहा था उससे छुटकारा पाने के लिए इस मार्ग पे चला था, तो ये तो काफी परफेक्ट है ना। और इसकी स्ट्रेस लेनी नहीं है, क्योंकि जो फार्मूला है वो ये है कि आप आते जाते सांस का अवलोकन करें। मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि जैसे मैं जैसे प्राणायाम करता हूँ कभी कभी, तो जब मैं सांस अंदर कभी कपालभाति करने के बाद कुछ समय बाद जब पूरी सांस अंदर भर के रोक लेता हूँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि वो प्राणवायु पूरे शरीर में दौड़ने लग जाती है, ऊपर नीचे चढ़ जाकर पूरी, तो हाथ पैर बिल्कुल कांपने लग जाते हैं, तो माइंड ब्लैकआउट हो जाता है मतलब 4-5 सेकंड के लिए। तो फिर वही वाली जो आप बता रहे हो ना कि आनंद आ जाता है एक संग से, ये क्या हो गया, तारी तारी ही आ गई, मतलब जैसे योग का इस मार्ग में तो ऐसा ब्लैकआउट हो जाता है पूरा माइंड, ऐसा हो रहा है ना धुंधली सी छा गई, चक्कर से आते हैं, ब्लैकआउट हो जाता है, इस टाइप से ब्लैकआउट हो जाता है, और ऐसा लगता है प्राणवायु पूरे शरीर में दौड़ रही है, तो उस टाइम पे कोई विचार नहीं रहते। तो मैं उससे कंपेयर करना चाह रहा था, मतलब आपका जो वो है कि जो जिस टाइम विचार नहीं आते तो कैसा फीलिंग होती है, मतलब ब्लैकआउट हो जाता है या पता ही नहीं रहता, कैसा सीन है? नहीं नहीं, वो तुमको पूछना है तो वहाँ पर तो बहुत ही अलग ही प्रकार की एक शांति है और एक खुशबू एक अलग ही है उसकी। अच्छा अच्छा, मतलब और बहुत नयापन सा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि उसी लड़की से बार बार मिलने का मन करता है ना,
तो बस उस जगह पर है ना बार बार जाने का मन करता है और वहीं पर ही रहने का मन करता है। और इस बात की श्योरिटी अब ये दे देती है बेसिकली वो स्टेट की, हाँ मतलब कि दुनिया में जो भी हमने मजे किए उससे ज्यादा मजेदार चीज कहीं है और परमानेंट है। हाँ सही तो बस ये बात है। ठीक है भाई साहब, तो इसमें और कुछ पूछना हो हाँ तो मुझे बता देना, और मुझे तुमको कुछ हाँ बताना होगा तो हम अगली बार बात में देख लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो कुछ ओके नहीं पूछना। ओके। ठीक है, धन्यवाद।